वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी टिप्स फॉर फेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम आपके साथ कुछ घरेलू पैड शेयर करने वाले हैं। आप इसे अपने पूरे बॉडी पर मसाज कर सकते हैं और अपने फेस पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी हम आपको बताएंगे घरेलू नुस्खा बताएंगे, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। जो भी सामग्री हम बताएंगे आपके किचन में वो हमेशा मौजूद होती है, तो उन्हीं में से कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शरीर के रंग को गोरा करने के लिए, कालेपन मैल को हटाने के लिए, टैनिंग को रिमूव करने के लिए इस पैक को आप अपने फेस पर जरूर अप्लाई करिए। आप देखेंगे एक से दो बार यदि आप अपने फेस पर इसे अप्लाई करते हैं तो कितना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। आपके भी पुराने दाग धब्बे हैं फ्रेंड्स, एक ही बार में वो खत्म हो जाएंगे। कितनी भी पुरानी मैल है एक ही बार में वो खत्म हो जाएगी। आपको लेनी है फ्रेंड्स गुलाब की पत्ती। गुलाब की पत्ती आप ताजा भी ले सकते हैं, यदि आप सुखा कर रखे हैं तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको लेना है मूंग की दाल। मूंग की दाल आप 2 चम्मच लीजिएगा और 2 से 3 गुलाब का पत्ती आप लीजिएगा। जैसे 2 गुलाब का फूल आप ले लें उसमें जितना भी पत्तियां होती हैं उतना आपको इस्तेमाल करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको लेना है 2 चम्मच चावल। यदि आप अपने फेस पर और अपने हाथों में इस्तेमाल मात्र करना चाहती हैं तो कुछ थोड़ा सा पैक बनाइएगा। यदि आप पूरे बॉडी पे इस्तेमाल करना चाहती हैं तो उसी हिसाब से आपको पैक बनाना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको लेना है कोकोनट ऑयल। जो आपने मूंग की दाल ली है और चावल लिया है उसे आपको रात में थोड़ा सा पानी से आप साफ करके इसको भिगो दें। उसमें गुलाब की पत्ती भी आप भिगो सकते हैं, 2 से 3 घंटा भी भिगो सकते हैं, नहीं तो आप इसे रात में भी भिगो कर रख सकते हैं। भिगो कर रख दे, सुबह आप उसे निकालें, उसके बाद आप किसी मिक्सी में या किसी भी सहायता से आप उसको पीस लें, इकट्ठा तीनों को पीस लें। पीसने के बाद आपको उसमें मिलाना है 1 से 1/2 चम्मच कोकोनट ऑयल। यदि आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप बादाम का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा दाग है तो थोड़ा सा आप उसमें लेमन यानी कि नींबू का जूस भी मिला सकते हैं। उसके बाद एक मोटा गाढ़ा सा आपको पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाने के बाद आप अपने फेस पर इसे अप्लाई करिए। फेस पे हल्के हाथों से आपको 2 से 3 मिनट मसाज करके छोड़ देना है। उसके बाद आप अपने पूरे हाथ पर इसको इस्तेमाल करिए, पैर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शरीर को गोरा करने में बहुत ही फायदेमंद होता है, स्किन लाइटिंग के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। चावल का आटा और मसूर की दाल तो आप अपने फेस पर इसे जरूर अप्लाई करें, अपने पूरे बॉडी पे अप्लाई करें। हफ्ते में आपको ये एक बार अप्लाई करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। एक हफ्ते में आप एक बार जरूर इसे लगाइए, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है कि आपकी स्किन धीरे धीरे से काली पड़ने लगती है तो अच्छा नहीं लगता है। तो आप इसे जरूर अप्लाई करें, अपने घर पर आप बनाकर अपने पूरे फेस पर इसे मसाज करें, पूरे बॉडी पे मसाज करें। उसके बाद 10 से 20 मिनट लगे रहने दीजिए, उसके बाद आप नहा लें, नहीं तो तुरंत भी आप साफ कर सकते हैं। क्योंकि सर्दी का मौसम है तो यह पैक एक स्क्रब का काम करता है, तो अपने फेस पे आप पूरे स्क्रब कर लें, बॉडी पे स्क्रब कर लें, तुरंत आप इसको साफ भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक